Hey guys, what's up? I hope you are doing well. So, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं, सर डेटा साइंस का क्या करियर स्कोप होगा, क्या इसमें अच्छा स्कोप हमें मिलेगा आगे जाके, इस पे बताइए. एंड क्या इम्पैक्ट रहेगा एआई का, बिकॉज लोग आजकल देख रहे हैं जॉब्स का जो ले ऑफ है अभी भी चल रहा है, ले ऑफ जो है ना ये अभी भी चल रहा है, और मेजोरिटी ले ऑफ लोग देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में चल रहा है आईटी में. और आपने देखा होगा एआई के वजह से बहुत से जॉब्स जा भी रहे हैं और जॉब्स का जो मार्केट है श्रिंक हो गया है, ऐसा बोलना है लोगों का. एआई के वजह से श्रिंक तो हुआ है, कुछ डेफिनेटली हुआ है, और मार्केट कंडीशन ख़राब है. पहला दो चीज़ बता दी आपको. तीसरा चीज़ क्या है, आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, बाकी आईटी डिपार्टमेंट से, वो फिलहाल सरप्लस हो रहे हैं डिमांड की ओर. मतलब डिमांड जितना है उससे ज़्यादा सरप्लस हो रहे हैं. इस साल जो रिक्रूटमेंट होगा लगभग 1.5 लाख बच्चों का रिक्रूटमेंट होगा, और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चे लगभग 2 लाख होंगे मेरे को लगता है टोटल इंडिया में जो ग्रेजुएट होंगे. तो आगे नंबर जो है बढ़ेगा, मतलब 2 लाख होगा, फिर 2.5 लाख होगा, बिकॉज जितने ही बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े कॉलेजेस मतलब आईआईटी नेट्स की बात नहीं कर रहा मैं, वो बता रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर देखना 80-90% बच्चे सीएससी के हैं, बाकी 5-10% ईसीई के. मैकेनिकल इलेक्ट्रिसिटी ना के बराबर है ही नहीं, बहुत कम है. मतलब एक कॉलेज जानता हूँ जो मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास है, जहाँ पर कंप्यूटर साइंस में लगभग 2.5-3 हज़ार बच्चे हैं इस फर्स्ट ईयर में. मैकेनिकल में कितना है, 100 भी नहीं है. इलेक्ट्रिकल में 100 भी नहीं है. सिविल में 100 भी नहीं है. इसी में 100-200 है, 300 है, ऐसे समझ रहे हो. तो क्या हो रहा है, तो अब बच्चों का बोलना है सर डेटा साइंस फील्ड में क्या होगा मेरे करियर स्कोप, एआई के वजह से क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये दो चीज़ मुझे बताइए, मेरे को समझाइए अच्छे से. मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, बिकॉज अगर आप देखेंगे मार्केट में, अगर वीडियोस देखेंगे लोग बना रहे हैं डेटा साइंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या वाकई में इतना अच्छा है, क्या सही में मेरे को एक अच्छा फ्यूचर मिल सकता है. ऐसा तो नहीं होगा 2 साल काम करने के बाद कंपनी में निकाल देंगे, ऐसा होता है बहुत बार देखा मैंने कि जब बहुत हाई डिमांड है किसी चीज़ का, आपका जॉब लग गया, डिमांड घटा, आपका जॉब चला गया, अब दूसरे डायरेक्शन में जॉब लेने जाओ. देखो मैं समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से. तो आई एम श्योर आप डेटा साइंस फील्ड के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक चीज़ जानना चाहते हैं आप, क्या एक एवरेज स्टूडेंट के लिए फील्ड है डेटा साइंस, क्या एक एवरेज स्टूडेंट को डेटा साइंस फील्ड में जाना चाहिए. देखो हाँ या नो ना में आंसर देना बड़ा मुश्किल है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन अगर मान लो हाँ कब होगा मैं आपको बता देता हूँ. अगर मान लो आपको इंटरेस्ट है डेटा साइंस में, आपको लगता है मैं ऑटोमेशन में, मैं क्रिएटिव दिमाग लगा सकता हूँ, तो भाई डेटा साइंस आपके लिए है. आप बस एक जॉब देख रहे हो कि मेरे को जॉब मिल जाए, थोड़ा अच्छा सैलरी मिल जाए, क्रिएटिव आप सोच नहीं पाते हो इतना अच्छा, तो भाई डेटा साइंस आपके लिए नहीं है. क्यों बता रहा हूँ ऐसा, ध्यान सुनना. जैसे जैसे एआई का इम्पैक्ट मार्केट में बढ़ेगा 2030 तक बहुत अच्छा हो जाएगा, अभी तो इतना खास नहीं है, वैसे वैसे जितने भी ये सॉफ्टवेयर जॉब्स हैं उनका, जितने भी ये आईटी कंप्यूटराइज्ड कामें हैं उन चीज़ों का मार्केट बढ़ेगा, बट जॉब श्रिंक होंगे स्लोली स्लोली. क्यों, बिकॉज एक बंदा 4 बंदों काम कर लेगा. सिमिलर तरीके से मैकेनिकल में हुआ है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, सिविल में नहीं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, इसी में कुछ हद तक, वहाँ पर क्या हो गया, ऑटोमेशन आ गया. पहले क्या था, लो एक बंदा वहाँ पर हमेशा खड़ा रहता था, मैंने देखा है, मैं गया हूँ कंपनीज में 10 साल पहले, वहाँ पर गया, वो मशीन चला रहा है. अभी मशीन नहीं चलाना पड़ता है, बस फिनिश या फिर आधा फिनिश मटेरियल डालो, मशीन अपना घुमाया कर देगा, फिर उसको निकाल के रख दो अपने डब्बे पर, डब्बा भी चला जाएगा ऑटोमेटिक, वहां से स्लाइड हो जाएगा. तो बंदा, जो बंदे भी काम कर रहे हैं उन्हें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बस एक मैन पावर चाहिए, और कुछ टाइम में मेरे को लगता है वो मैन पावर भी शायद हटा देंगे, उसमें भी रोबोट खड़ा कर देंगे टाइम के साथ. तुम लोग बोलोगे सर क्या जॉब चला जाएगा फिर बंदे हम क्या करेंगे. देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा कि शिफ्ट कब हो रहा है मार्केट, फिर आपको उस जहां पर मार्केट शिफ्ट हो रहा है वहां पर चला जाना है. फॉर एग्जांपल डेटा साइंस में बहुत अच्छे लोग पैसे कमाए हैं, कब, 2000
22 के आसपास, 21-22 में बहुत जॉब लिया लोगों ने। अभी मार्केट श्रिंक हो गया थोड़ा सा, इतने जॉब नहीं है, खासकर फ्रेशर को जॉब मिल नहीं रहा है। तो लोग क्या, देखो ऐसा नहीं है जॉब नहीं है, बिल्कुल भी जॉब है, फ्रेशर के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है जॉब लगना। तो अब क्या टफ आगे और हो जाएगा जॉब लेना, बिकॉज ये फील्ड में बहुत लोग जा रहे हैं। मैंने लास्ट ईयर यूट्यूब वीडियोज बनाया था, लाख लाख व्यूज गए मेरे बहुत सारे वीडियोज के, वहां पर मैंने देखा है कमेंट को, एनालिसिस को देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम एक्चुअली है, फ्रेशर का प्रॉब्लम है, जॉब नहीं लग रहा है फ्रेशर को, समझ रहे हो। तो डेटा साइंस क्या फील्ड खराब है? नहीं, फील्ड अच्छा है। फील्ड उसी के लिए जो क्रिएटिव थोड़ा सोचता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचता है, जिसको कंटिन्यूअस लर्निंग करना आता है, जिसको प्रेशर हैंडल करना थोड़ा आता है। हालांकि प्रेशर हैंडल, कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट जॉब से करता ही रहना पड़ेगा आपको, ऑटोमेशन सोचना ही पड़ेगा आपको, विदाउट दैट आप एफिशिएंसी गेन नहीं कर पाओगे और कंपनीज का पैसा बचेगा नहीं। अब कंपनीज का पैसा बचेगा नहीं तो सूनर और लेटर आप रिप्लेस हो जाएंगे किसी और चीज़ से, या तो कंप्यूटर से या तो एक इंसान से। ये सुनने खराब लगता है बट ये सच है, मार्केट ऊपर नीचे जाता रहेगा। तो एज ए फ्रेशर, अगर फ्रेशर हैं तो आपको सोचना होगा स्टेबल फील्ड क्या है। मैं अगर आपके जगह पर होता, मैं डेटा साइंस फील्ड में तभी जाता जब मैं बहुत क्रिएटिव होता, पहला। दूसरा, या तो मैं, देखो अगर कोई बंदा IITs में पढ़ रहा है, IIT में, NIT में, IIITs में, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज इनको एक बड़ा एडवांटेज है कैंपस प्लेसमेंट का, जो नॉर्मल बच्चों को नहीं मिलता है। लेकिन हम अगर Tier 3 कॉलेज से हैं तो क्या करेंगे? Tier 3 कॉलेज को क्या करना चाहिए? मतलब अगर IIT में अच्छा जॉब, अच्छे फ्यूचर करना है तो देखो किसी फील्ड में जा सकता है, डेटा साइंस में जा सकता है, AI में जा सकता है। अगर क्रिएटिव सोचता है तो अलग फील्ड है। अगर उसको कंटिन्यूअस, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है उसके बेस पर उसको फील्ड चूज करना चाहिए। उसका स्ट्रेंथ क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या, आपको पता होगा। क्रिएटिव के लिए है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत सारे का होता है, बहुत सारे को जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है वो बहुत इजीली सॉल्व करता है काम होके। लेकिन अगर IIT में बोलूँगा, सबसे अगर मेरे को कोई बोले सर अगर आप हमारे जगह पर होते, जैसे मैं बिलो एवरेज था जो स्टूडेंट बोल सकते हो, तो आप क्या चूज करते, व्हाट मतलब अभी के हिसाब से? देखो मैं पहले ही बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, मैं हमेशा चूज करता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे बनना है, और मैं टारगेट करता डेवलपर बनने के लिए। बिकॉज डेवलपर बनने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, एल्गोरिदम आना चाहिए, दैट्स इट। अगर ये आपको आता है तो आप कर सकते हैं प्रोग्रामिंग, आप C++ से स्टार्ट कर लीजिए। हालांकि डेटा साइंस फील्ड में जो जा रहा है उसको भी प्रोग्रामिंग आना चाहिए, C++ स्टार्ट करते हैं लोग, पाइथन तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, रस्ट आना चाहिए, R आना चाहिए, उसके बाद बहुत सारे डेटा विजुलाइजेशन टूल है वो आना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे फील्ड, डेटा साइंस में बहुत सारे फील्ड हैं। तो बहुत सारे फील्ड में कौन सा फील्ड बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड हो जाएगा? सारे फील्ड होंगे ज़्यादा ऑटोमेटेड, डेटा एनालिटिक्स हो जाएगा, बिजनेस एनालिटिक्स हो जाएगा, बहुत ऑटोमेटेड हो जाएगा। मतलब इतना ईजी हो जाएगा वो काम, फिर उसका जॉब का इतना बड़ा रोल नहीं रहेगा कि वो बंदा काम करेगा तभी काम होगा, ऐसा नहीं होगा, कोई भी कर सकता है, फिर दो चार क्लिक करेगा आ जाएगा, बहुत ईजी काम हो जाएगा। तो पैसा उसी का मिलता है जो डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, जो सारे नहीं कर सकते, जिसमें कुछ एफर्ट लगता है, ठीक है। तो डेटा साइंस फील्ड उसी के लिए है जो क्रिएटिव सोचेगा, ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिव सोचेगा उसके लिए है। अगर क्रिएटिव सोच नहीं पा रहे हो, कंटिन्यूअस एफर्ट डाल नहीं पा रहे हो, देन ये फील्ड मैं इतना अच्छा नहीं बोलूँगा आपके लिए, बिकॉज 2030 तक इसका शिफ्ट आएगा। तो जाएंगे, सेट हो जाएंगे 5 साल बाद, पहला 5 साल बाद आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, डिमोशन हो रहा है, तो डेट आई डोंट वांट विथ यू। और प्लस नंबर ऑफ जॉब्स तो इसमें कम होंगे बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ AI के वजह से, जो जॉब्स अभी देख रहे हो कम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अच्छा, और बोलते हैं सर मेरे को नहीं है क्रिएटिव दिमाग अभी, और मैं इतना ज़्यादा एफर्ट डाल भी नहीं पाता हूँ, मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है, तो क्या पैसा अच्छा मुझे मिल सकता है डेटा साइंस से? मिल सकता है। अगर पैसे से प्यार है और आप तैयार हो एफर्ट डालने के लिए तो ट्राई कर सकते हो, पैसा बहुत अच्छा डेटा साइंस में, बिकॉज इसके बिना मार्केट नहीं चलने वाला है,
ये तो चाहिए ही चाहिए आपको, बट प्रॉब्लम जो बताया मैंने ये चाहिए सबको, तो ये ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे बहुत सारे कंपनीज। ऑटोमेशन में कौन काम आएगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मशीन लर्निंग जो है, ML वाले काम आएंगे, डीप लर्निंग काम आएगा, इसमें NLP आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आता है, ये काम आएगा। तो अब आपको मैं पूरा फ्रैंक बताता हूं क्या एक्चुअली है। देखो, डेटा साइंस क्या फील अच्छा है? यस अच्छा है। क्या सबके लिए अच्छा है? सबके लिए अच्छा है नहीं, सबके लिए नहीं है। क्या एवरेज बच्चा कर सकता है? यस भी और नो भी, इट इज अप टू दैट पर्सन। क्या इस फील्ड में ग्रोथ होगा? यस होगा, ग्रोथ होगा। क्या इस फील्ड में अच्छा फ्यूचर है? यस है, अच्छा फ्यूचर है। डिपेंड करता है लेकिन कैसा कैंडिडेट है। इसमें टॉप पोस्ट क्या होता है? डेटा साइंटिस्ट होता है। क्या एज ए फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट का पोस्ट मिल सकता है? बड़ा मुश्किल है। लोग स्टार्ट करते हैं डेटा एनालिटिक्स से या फिर डेटा इंजीनियर से, इन जनरल ऐसे ही स्टार्ट करते हैं लोग। कहानी समझ में आया क्या बोलने की कोशिश करा मैंने? तो डेटा साइंस का ये पूरा हिसाब किताब आई होप सबको समझ में आ गया है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट, इंफॉर्मेशन कंटेंट आपको मिलता रहेगा हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।